यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आज की इस वीडियो में दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप दोस्तों मेरी बात को 4 से 5 महीने फॉलो कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को दोस्तों सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और आप अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी क्या है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों आईएएस के सिलेक्शन के लिए, आईएएस आईपीएस आईआरएस के सिलेक्शन के लिए एक बोर्ड है यूपीएससी, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब दोस्तों ये इसका जो एग्जाम है ना, ये हर साल ही होता है। तो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर आप दोस्तों सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी, कितने एग्जाम होंगे इसमें, ठीक है ना, ये हम समझते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यूपीएससी के एग्जाम को आप जो है 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला होता है दोस्तों पेपर वन, देखिए पेपर पहला होता है पेपर वन और दूसरा होता है दोस्तों पेपर टू। तो पेपर वन और पेपर टू जो है ये 200 नंबर के होते हैं और दोनों में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर टू में क्या है, और इन दोनों में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब पेपर टू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना पेपर टू, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें आपको 33% लाने होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं उसके बाद, तो पेपर वन और पेपर टू इससे हम क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं, और मेंस ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तभी आप प्रीलिम्स के लिए मतलब इलिजिबल होंगे, तो मेंस क्लियर करना पड़ेगा। अब उसके बाद होता है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में क्या है, तो प्रीलिम्स में दोस्तों एक होता है पेपर ए, पेपर ए हम कहते हैं ये जो है 300 नंबर के होते हैं। इसमें मतलब इंडिया भारतीय संविधान में जितने भी लैंग्वेज का जिक्र किया गया है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज का आपको पेपर देना होगा और ये भी आपको क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, इसमें मिनिमम आपको 33% नंबर लाने होंगे। दूसरा होता है पेपर बी, पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब पास होने जरूरी है, वही 33% नंबर लाने जरूरी है। देन उसके बाद होता है दोस्तों पेपर वन, मतलब एसे राइटिंग का होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है पेपर टू जनरल स्टडी का, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है पेपर थ्री, जिसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन से। उसके बाद फोर्थ होता है दोस्तों जनरल स्टडी के, अब इसमें कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से। उसके बाद पेपर फिफ्थ होता है, पांचवा पेपर जनरल स्टडी के, इसमें आपके इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी ये 250 नंबर के होते हैं। तो जो प्रीलिम्स होते हैं ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1750 नंबर के होते हैं और मेंस 400 नंबर के होते हैं। उसके बाद फिफ्थ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है ऑप्शनल, ठीक ना, इसमें आपको 25% नंबर लाने होते हैं इंडियन लैंग्वेज में और 25% आपको इंग्लिश लैंग्वेज में और कम ही लाने होते हैं। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, तो अगर आप दोस्तों प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू जो है आपके 275 नंबर के होते हैं। और अगर आप दोस्तों यूपीएससी की तैयारी किसी कोचिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम जो है ना आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे, अच्छा कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बुकें मैं आपको बता देता हूं। इंडियन पॉलिटी के लिए देखिए, मतलब कि अगर आप भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी की बुक ले लीजिए, ठीक ना। और अगर आप दोस्तों थोड़ा सा आप साइंस जनरल साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सार संग्रह बुक ले सकते हैं या फिर आप लूसेंट की जनरल जीके की बुक ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाली, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एक और बुक मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश के लिए आप जनरल इंग्लिश की बुक ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और कुछ और भी बुक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।